आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया बताता हूँ जिसको आप लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। यस, यू हर्ड राइट, जेब से आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और इस बिजनेस को आप घर से भी स्टार्ट कर पाओगे विदाउट एनी हाईटेक स्किल। बट बिजनेस आइडिया जानने से पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो। देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपका पैसा तो एक भी नहीं लगेगा, लेकिन पैसे के अलावा आपकी तीन चीजें लगेंगी: योर क्रिएटिव माइंड, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। देखो, कोई भी अच्छी चीज रातों रात तो बिल्ड होती नहीं है। इसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने तक इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ करना, जिससे एक बेटर रिजल्ट तुम अचीव कर पाओगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टमर को फ्री में टारगेट कर पाओगे और इजीली सेल्स जनरेट कर पाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं कौन सा है वो हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया इन 2024। bevcoop.com। इस ब्रांड को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है ये स्टार्ट हुआ था एक मीम पेज बनाने से, जो कि स्टार्टिंग में मीम्स बनाया करता था, और उन्हीं यूनिक मीम्स को इन्होंने प्रिंट कर दिया अपनी टी शर्ट्स पर और लोग बन गए एक क्रिएटिव बिजनेस। और आज bevcoop.com की नेटवर्थ 150 करोड़ से भी ज्यादा की है। ऐसा ही एक और ब्रांड है एलिमोमा, जो कि आलिया भट्ट का ब्रांड है। ये लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर ही 100 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रांड बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, जेपवी, बीएन, फ्रेंच क्राउन ऐसे कई ब्रांड्स बन चुके हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंटेबल टी शर्ट्स या फिर प्रिंट ऑन डिमांड का ही बिजनेस करते हैं। और जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड, इसका इंडियन मार्केट करंटली 23,000 करोड़ का है, जो कि 2027 तक 61,000 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब ये एक सही समय होगा इसको स्टार्ट करने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है। देखो, जो न्यू बायर्स है, जेन जी ऑडियंस है, वो कस्टमाइजेबल क्लोथिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कई कपल्स अपने पार्टनर के नाम की टी शर्ट्स पहनना चाहते हैं, जो न्यू मॉम्स है वो भी चाहती है कि वो अपने बेबी के नाम की या फिर फोटो की टी शर्ट्स पहने। कई छोटे व्यापारी अपने एम्प्लॉयज को अपने ब्रांड नेम की टी शर्ट्स देना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सकते हो कि इस बिजनेस की डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर आज मुझे एक एनिमी डिजाइन की टी शर्ट चाहिए हो, तो मैं भी ऐसी किसी वेबसाइट को रीच आउट करूंगा, ना कि ज़ारा या H&M। इसलिए इस मार्केट में अभी पोटेंशियल बहुत है। अब सवाल यह आता है कि अगर किसी को बिजनेस बिना पैसा लगाए स्टार्ट करना है तो वो कैसे होगा। चलो जानते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आप किड्स कैटेगरी को टारगेट करोगे, मेंस कैटेगरी को टारगेट करोगे, या फिर सिर्फ कपल्स को ही आप टारगेट करना चाहते हो। और एक बात ध्यान रखना, जिस नीच मार्केट को आप चूज कर रहे हो, सिर्फ उसी कैटेगरी में डील करना, क्योंकि आप हर कैटेगरी के डिजाइन बनाओगे तो स्टार्ट तो आप कर लोगे, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अब टारगेट ऑडियंस तो डिसाइड हो गई, लेकिन हम इतने क्रिएटिव डिजाइन बनाएंगे कहां पर? तो देखो, इसके लिए आप 2 free AI tools का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला है कैनवा। कैनवा पर आपको जाना है और सर्च करना है प्रिंटेबल टी शर्ट्स, और आपको बहुत सारे डिजाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये डिजाइन है जिस पर लिखा है सुपर मोम। भाई यकीन मानो, आज के टाइम पर जितनी भी न्यू मॉम्स है और इवन किड्स भी हैं, उनको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आएगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटिव डिजाइन आपको कैनवा पर मिल जाएंगे, बट इसमें आपको कुछ ही डिजाइन फ्री मिलेंगे, बाकी डिजाइन आपको पेड मिलेंगे। तो कैनवा के अलावा दूसरा AI टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो, उसका नाम है leonardo.ai। इस पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें लिखा एन एनिमी कैरेक्टर विथ फायर इन बैकग्राउंड फॉर टी शर्ट प्रिंटिंग, और इसने मुझे कितना यूनिक एंड रियलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करके दे दिया। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके रेडीमेड डिजाइन में थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ से क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इससे आपको कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यूनिक डिजाइन्स रेडी हो जाएंगे। अब डिजाइन रेडी होने के बाद आपको जाना है ब्लिंक स्टोर वेबसाइट पर। ये बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। इसमें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंटेबल टी शर्ट रेडी हो जाएगी। ना कोई इन्वेंट्री मैनेज करने का झंझट, ना ही कोई शिपिंग की हेडेक रखनी पड़ेगी। बस आपको इसमें जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। और एक्सप्लोर पर जाकर प्रिंट ऑन डिमांड या फिर टीस्प्रिंग अल्टरनेटिव पर क्लिक कर देना है और अपना स्टोर क्रिएट करना है। फिर जिस भी चीज पर आप प्रिंट करना चाहते हो वो आइटम सिलेक्ट करना है और अपना बना हुआ डिजाइन यहाँ अपलोड कर देना है। फिर इसमें आप अपने मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और हाँ, स्टार्टिंग में अपने मार्जिन कम ही रखना, जिससे तुम एक वाइडर ऑडियंस के पास पहुंच पाओगे। और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस प्रोडक्ट का शेयरेबल लिंक आपके पास आ जाएगा, जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हो। और जब भी आपके लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो सारा काम तो कंपनी करेगी और आपको आपका मार्जिन घर बैठे मिल जाएगा। और ये कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, ऐसी ही 4 और वेबसाइट के नाम मैं यहाँ लिख दूंगा, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो अपने लिए। तो अब तक हमने हमारी टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, हमारे डिजाइन भी रेडी हो चुके हैं और इवन डिजाइन प्रिंट भी हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसको बेचेंगे कहां पर, क्योंकि जब माल बिकेगा तो ही तो पैसा अपने अकाउंट में आएगा। देखो, बेचने से पहले ये समझो कि इंडियन मार्केट एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। यहां लोग प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस टैग देखते हैं, इसलिए इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग में तुम महंगा बेच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने एक बेस्ट प्रोडक्ट रेडी करो, जिसका डिजाइन ट्रेंडिंग और यूनिक हो, प्लस वो प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में भी हो। उसके बाद आप इसको
प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। इंस्टाग्राम पर आपको जाना है और एक बिजनेस पेज को क्रिएट करना है। जैसा कि आप जानते भी हो, इंस्टाग्राम का रील्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अपने आप को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का। इसलिए आज के टाइम पर हर कोई बिजनेस या कोई पर्सनल ब्रांड भी इंस्टाग्राम पर जरूर एक्टिव मिलता है। वैसे ही आप भी अपने प्रोडक्ट की कूल इमेजेस को रील्स के थ्रू शेयर करके प्रमोट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्स को जनरेट कर सकते हो। नाउ दूसरा प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में आपको जाना है और सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप इस सेक्शन पर पहुंच जाओ तो आपको अपने इंटरेस्ट में फैशन और लाइफस्टाइल ही सिलेक्ट करना है, जैसे मेंस फैशन, मेंस हेयर स्टाइल, वेडिंग आउटफिट्स। इससे आप सिर्फ उन लोगों से ही कनेक्ट कर पाओगे जो आपके टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं इन फ्यूचर। फिर अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको जाना है क्रिएट पिन पर। यहां से अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है, जो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। फिर लिंक वाले सेक्शन में आपको अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल देना है, तो जब भी तुम्हारी पिन ट्रेंड में आएगी तो वहां से कोई भी तुम्हारे लिंक पर क्लिक करके तुम्हारे प्रोडक्ट पेज पर जा सकता है और आप बिना पैसा लगाए अपनी सेल्स को जनरेट कर पाओगे। अब मुझे पता है स्टार्टिंग में जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा उसमें से 40% लोग एक मिनट में ही चले गए होंगे, बट आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट यू, बिकॉज आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो और आप सच में चाहते हो एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसा पाथ जिस पर आप अपना करियर बिल्ड कर सको। इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ 5 से 6 महीने तक करना, आई एम श्योर आप जरूर रिजल्ट अचीव कर पाओगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं अपने बिजनेस के लेसन, अपने बिजनेस की गलतियां आपके साथ शेयर कर सकूं। और तब तक के लिए खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखते रहो और ग्रो करते रहो।